हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, सुबह एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें आपको जो आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो वो मैंने बताया था, वो मैंने अपने भी बताए थे और कैसे चेक करना है वो भी बताया था। लिंक मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया। उसमें हुआ क्या था दोस्तों, मैंने गलती से जो मेरे मार्क्स थे, ठीक है, मैंने 81 बोल दिया था। वो मेरे जो मार्क्स थे वो 91 थे, ठीक है, एक्चुअली मैं भूल गया था। तो 91 मार्क्स थे और मेरे जो नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वो है 88.5302, और अगर आप कट ऑफ देखें तो वो भी है 88.5302 SC का। तो यानी कि सेम कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिल गई, और यानी कि मेरे जो मार्क्स हैं 91 से 88.53 हुए हैं, यानी कि 2.5 नंबर मेरा यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो मेथड यूज़ हुआ है वो परसेंटाइल, जैसा कि उसने बोला था, यानी कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उसको उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट मिला हुआ। तो यानी कि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ाई थी, क्योंकि मैंने बोला था मैं ऐसे ही देने आ रहा हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बस मैं देने चला गया था, तुक्के मुक्के लगा के आ गया था, पता नहीं उससे आ गए मेरे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे 2.5 नंबर जो हैं उसमें कम हो चुके हैं। तो ये एक करेक्शन था जो मैंने आपको बता दिया कि 91 से मेरे कम हुए। तो आप और मेरा 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में था, ऐसा बोला जाता कि मार्क्स बढ़ेंगे, बट मेरे मार्क्स घट गए, क्योंकि वहाँ पर परसेंटाइल मेथड जो है यूज़ हुआ है, यानी कि एक्यूरेसी के बेसिस पर आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं। तो आप बताइए आपका किस शिफ्ट में था और आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, ठीक है। चलिए, मैं अभी कोई भी डाउट है JSC से रिगार्डिंग, मैं वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।